यूपी के अलीगढ़ जनपद में थाना गभाना इलाके में बरौली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ठाकुर दलवीर सिंह के कार्यालय पर रहने वाले एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक परचून की दुकान से ट्यूशन पढ़ाकर लौटते समय सामान खरीद रही किशोरी को जबरन रिवाल्वर की नोक पर परचून की दुकान से उठाकर एक कमरे पर ले गए, जहां कमरा बंद कर उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट से बदहवास किशोरी ने जब दरिंदों के चुंगल से अपने आप को बचाने के लिए चीखी चिल्लाई तो चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने कमरे का लगा ताला तोड़कर जैसे तैसे छात्रा की उन दरिंदों से जान बचाए। पीड़िता की शिकायत पर गभाना पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ 376 सहित तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बलात्कार की शिकार किशोरी पीड़िता ने गुरुवार को राज्य मंत्री से न्याय की गुहार लगाई गई, तो अलीगढ़ एसएसपी ने सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर न्याय न मिलने पर पीड़िता ने 24 घंटे में आत्महत्या करने की भी बात कही है। पेश है हमारे अलीगढ़ के संवाददाता अजय कुमार की यह खास रिपोर्ट। कल जो आपके साथ ये घटना हुई है बरौली विधायक दलवीर सिंह के कार्यालय पर गवाना पर आपके साथ जो छेड़छाड़ हुई है, बलात्कार करने की कोशिश की है। ट्यूशन पढ़ा के जा रही थी तो मुझे मैगी का गत्ता और एक पापे का गत्ता लेना था, मेरी एक दुकान है। तो ठाकुर दलवीर सिंह के यहाँ पे भीमपुर के एक छोटू भैया की दुकान है परचूने की, तो मैं वहां से सामान ले रही थी। बस मैंने उनसे सामान लिखवाया ये इतनी देर में भोला सिंह, रेशम पाल सिंह, उनके दोनों बेटे और दो लोग और थे, और बीपी जो कार्यालय पर रहता है, इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। हाथ पाथ मेरे मतलब पेट पेट पे मारे हैं और सीने पे भी बहुत सारी चोट आई है मेरे, और पेट में मेरे बहुत तेज लात मारी थी जिसके वजह से मैं गिर गई थी। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, मैं चीखी चिल्लाई तो वो मतलब मुंह करने की कोशिश करी है बंद करने की। तो क्या आपको ये पकड़ के बंद करके अंदर बंद करने की कोशिश कर रहे थे कमरे में? अच्छा। उसी टाइम पे सगुन है जो पत्रकार है हिंदुस्तान का, वो बार बार कह रहा था कि मैं ये रिपोर्ट बाहर जाने ही नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये पुलिस मेरी है, प्रशासन मेरा है, तू कुछ नहीं कर सकती। उसी बीच मैं चीखी हूँ चिल्लाई हूँ, भीड़ इकट्ठी हुई है, ऊपर छत पर भी सब लोग आए। तो आपको कैसे फिर कैसे बचाया गया, क्या मैं हुआ? कपिल भैया को आवाज दे रही थी, जब कपिल भैया जिम पैसे लौट के आए तो उन्होंने गेट के मतलब की पत्थरा जो होते हैं पत्थर डंडा तोड़ मतलब तोड़ वोड़ करिए ताला वाला तोड़ा है, जब वो मुझे निकाला गया है, अगर ये नहीं निकालते तो मुझे मार भी देते। तो क्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली आपकी? हाँ कर ली। तो अब क्या चाहती हो आप? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे बस इंसाफ मिले, क्योंकि मेरे घर पे भी दबाव बनाया जा रहा है। आज आप यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं अलीगढ़ में, हाँ, तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी या अपनी शिकायत रखना चाहेंगी? बिल्कुल रखना चाहूंगी। आज यहाँ पे रघुराज सिंह मंत्री जी के यहाँ पे आपने अपनी शिकायत रखी, उन्होंने क्या कहा आपसे? यही बोला है कि बस तुम परेशान मत हो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग कुछ भी नहीं है, मेरी मांग ये है कि बस मुझे इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करी है, बीपी ने, भोला सिंह ने, रेशम पाल सिंह ने, रेशम पाल सिंह के दोनों बेटे और शकुन जो पत्रकार है, मैं बस उन लोगों को जेल में देखना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये भारत का न्याय है कि लड़की ही मरनी चाहिए, तो ठीक है 24 घंटे के अंदर मैं अपना आत्महत्या कर लूंगी।